ड्यूटी हमारा भी चल रहा है, तो रेलवे में नाइट पेट्रोलिंग की ड्यूटी कैसी होती है इसका स्पेशल मैं पूरा ब्लॉग दिखाने वाला हूँ। इसमें क्या क्या वो सर आपको मन में डाउट होते होंगे या कितना बहुत ही डेंजर होता है, क्या क्या होता है, सारी बात हम करेंगे इस वीडियो में। और एक ब्लॉग के तरीके से आपको हम दिखाएंगे कि हम लोग कैसे ड्यूटी करते हैं, कितनी परेशानियाँ होती है या बहुत आसान होता है, तो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। फिलहाल हालांकि अभी लगभग 8 बज रहे तो थोड़ा खाना वाना खाएंगे अभी। और हम लोग का ड्यूटी 10 बजे से शुरू हो जाता है, 10 बजे से रात से लेकर सुबह 6 बजे तक लगभग ड्यूटी होता है, 8 घंटे की ड्यूटी टोटल होती है। तो कैसे कैसे होगा हम सारी बातें करेंगे वीडियो में। फिलहाल हम अभी पहले खाना खा लेते हैं, 10 बजे निकलना है। तो खाना में अभी इधर हमारा देखिए, इधर पूरी है, खीर है और सब्जी है, आप लोग आके खा लीजिए। और बहुत सारे क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं, तो आपको हम लास्ट में बताएंगे। हम एक लिस्ट बना के रखे हैं, बहुत सारे डाउट आपके होंगे तो हम सारे क्लियर करेंगे। हालांकि ब्लॉग में भी आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करेंगे। अभी पहले फटाफट खाना खा लेते हैं, खाना खा के रेडी होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। फिर तो दोस्तों अभी खाना पीना हो गया है, और खाना खाने के बाद थोड़ा 8 से 9 बजे तक क्विज हम करते हैं टेलीग्राम पे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है विक्रिया रेलवे के नाम से, उस पर क्विज कर रहे थे 8 से 9 बजे तक, मतलब 1 घंटा क्विज चलता है। तो वही क्विज करने के बाद अब थोड़ा सा रेडी वगैरह हो लिया है, तो अब रेडी है ड्रेस वगैरह पहन के। ये हमारा सेफ्टी ड्रेस है, ये आपको दिख रहा होगा, ये प्रोटेक्शन के लिए पहनना पड़ता है ताकि रात में ये रिफ्लेक्टेड हो, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, लाइट पड़ने से रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ये पहनना पड़ता है। तो फिलहाल रेडी हो लिए, अब चलते हैं ड्यूटी के लिए। अभी तो हम लोग का ड्यूटी क्या है कि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक है। अभी 10 बजे जाएंगे तो अभी 2 टाइम जाना पड़ता है, 10 बजे जाएंगे तो आएंगे 1 बजे तक, फिर 1 बजे के बाद 2 घंटा रेस्ट करेंगे, फिर सुबह में 3 बजे निकलना होता है, 3 बजे से फिर 6 बजे तक, ये हम लोग का होता है। और हम लोग का सेक्शन लगभग अभी आपको 5 किलोमीटर है, 5 या 5.5 किलोमीटर का मेरा सेक्शन पड़ता है। कहीं कहीं आपको 3 किलोमीटर भी हो सकता है, कहीं 3.5 कहीं 4 ऐसे होता है। कभी कभी क्या है, कहीं कहीं कम होने की वजह से उस पर रात भर ड्यूटी करना पड़ता है या चलना पड़ता है। लेकिन हम लोग के यहाँ रूल थोड़ा अलग है, यहाँ 2 टाइम जाना पड़ता है हम लोग। ये भी खाना वाना खा के रेडी है, क्या करना चाहती है तुमको, तो डर भी लगता है तुमको जब ड्यूटी जाते हैं तो। चलो डरने की बात नहीं, यहाँ पर लोग भी आते हैं और हम आ भी जाते हैं, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। और अभी आपको दिखाते हैं सामान में क्या क्या है। सबसे पहले कि ये बैग है, और ये एक बोतल पानी लेना पड़ता है, एक बोतल पानी इसमें ले लिया है। इसके बाद ये ग्रीन झंडी रेड झंडी ये सब होता है, 2 रेड होता है, एक ग्रीन फ्लैग होता है। उसके बाद देखिए GPS होता है, ये GPS दिया जाता है हम लोग को ताकि इसमें ट्रैक कर सके हम लोग ड्यूटी वगैरह कैसे करते नहीं करते। देखिए GPS इसका बटन से, जिस पर फिर कभी हम वीडियो बना देंगे। उसके बाद ये एक टॉर्च होता है, ये आपको सिग्नल वाला टॉर्च है, प्लास्टिक वगैरह से लपेट दिया गया ताकि ये बारिश में नहीं भीगे। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये दबाने से रेड जलता है, ये नीचे वाला ग्रीन होता है, ये ग्रीन सिग्नल होता है, और एक व्हाइट होता है ऊपर वाला। तो हम लोग रेड ग्रीन नहीं जलाते, हम लोग व्हाइट ही दिखाते हैं ताकि व्हाइट जला के ट्रैक पर दिखाते रहते जब कोई गाड़ी वगैरह आती है। तो उसके बाद एक ये छाता हो गया, और इसमें डेटोनेटर है, तो डेटोनेटर मतलब एक पटाखा होता है जिसको फॉक्स नेल बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है। इसको हम फिर कभी डिटेल में बना देंगे इसमें कि ये होता क्या है। तो ये हमारा सामान सब है, और उसके बाद आपको जूता पहनना पड़ेगा, आपको ये रेलवे का दिया हुआ जूता है, हालांकि ठीक है अभी तक, ख़राब वगैरह नहीं हुआ है। और बारिश के लिए अलग से रखे हुए हैं जो वाटर प्रूफ जूता है, तो अभी बारिश थोड़ी भी थोड़ी हो रही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बारिश होने से उसी को पहनते हैं। और एक पेट्रोलिंग बुक होता है, पेट्रोलिंग डायरी इसको बोला जाता है, तो वो डायरी हम लोग अभी स्टेशन में साइन करवाएंगे स्टेशन मास्टर से ले जाने से पहले, फिर उधर से जाकर बुक चेंज करना पड़ता है। उधर से भी कोई आते हैं 2 लड़का, उसको भी बुक चेंज हो जाता है, वो हमको देते हैं, हम उनको अपना बुक उसको देते हैं। चलिए फटाफट चलते हैं, अब निकलते हैं, टाइम हो रहा है। हम लोग बुक वगैरह साइन करवा लिए हैं, हम लोग का ये स्टेशन है, अभी साइन करवा के यहाँ से निकलेंगे। तो अभी हम लोग का ड्यूटी शुरू होगा यहाँ से, हम और मेरे साथ एक ये पार्टनर है, ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया है ये, तो हम लोग के साथ में रहता है हेल्प करने के लिए, तो आज ये भी हम लोग के साथ रहेगा। अभी क्या है कि एक हम लोग का रहता है, हम लोग के साथ एक कॉन्ट्रैक्टर वाले को दिया जाता है। और होता है क्या है कि हम लोग देखिए 2 आदमी पेट्रोलिंग में जाया जाता है, तो हम लोग नाइट पेट्रोलिंग के लिए निकल गए हैं। इसमें होता है क्या है कि ट्रैक के हम लोग बीच में चलते, एक तरफ वो देखता है, एक तरफ हम देखते हैं, दोनों आदमी दोनों तरफ साइड को देखते जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्रॉसिंग है, इसमें देखिए कुछ लोगों का ये लगता होगा कि यहाँ पे डर वगैरह ज़्यादा लगता है, तो देखिए चारों तरफ आपको अंधेरा अंधेरा दिखेगा, कुछ दिखता नहीं है, तो थोड़ा सा लग गया कि डर लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 2 आदमी साथ में रहता है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और कोई दिक्कत इधर नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, ट्रैक पर है तब आप सेफ है, क्योंकि आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपको कोई भी दिखेगा तो बोले कि हाँ ये ट्रैकमैन ड्यूटी में स्टाफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और यही सब देखना पड़ता है, कभी कभी क्रॉसिंग का बोल्ट वगैरह टूट जाता है, तो ये सब देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है इसमें। सिर्फ क्या होता है कि हम लोग को सिर्फ देखना होता है, आपको सिर्फ इसको देखते हुए जाना है और आना है बस, इसमें पेट्रोलिंग वैन का यही काम होता है, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है। और पहले जानवर की बात, तो कोई जंगली जानवर इधर आपको नहीं मिलेगा ज़्यादातर, सिर्फ आपको यहाँ पर सांप वगैरह ज़्यादा मिल जाते हैं, तो आपको अलर्ट रहना पड़ता है, इसीलिए पैरों में जूता पहना जाता है ताकि आपको कुछ मतलब सांप से कुछ नुकसान नहीं हो, या उसके ऊपर पैर भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो। हालांकि बहुत कम ऐसा हो देखने को मिलता है, क्योंकि होता क्या है कि
अभी ऐसा कभी कोई घटना देखा नहीं गया कि सांप काटने से किसी की मृत्यु हुई हो, आज तक मैंने कभी सुना नहीं है कि हम लोग रेलवे के जो भी स्टाफ है उसका ऐसा कुछ हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इतने डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से ड्यूटी कर सकते हैं। और दोस्तों अभी बारिश हल्की हल्की होने लगी है, देखिए आपको दिख रहा होगा, इसलिए हमें छाता लगाना पड़ गया है। तो आप छाता लगा के ड्यूटी आप कर सकते हैं, और आप रेनकोट भी आप पहन के आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा अगर बारिश हो रही है तो आप रेनकोट आपको पहन सकते हैं। जब बहुत तेज़ ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप किसी के मतलब कहीं पर रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, लेकिन बगल में किसी का घर कभी कम ही मिलता है, ज़्यादा घर घर मिलने से रुक सकते हैं, 5-10 मिनट रुक के आप जा सकते हैं, फिर से कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन अभी हल्की बारिश हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ड्यूटी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं। तो अभी जस्ट आ ही रहे थे तो अचानक से मैं डर गया, क्योंकि यहाँ देखिए एक सांप मरा हुआ है। मतलब मुझे तो पहले लगा कि यार ये यहाँ देखिए, यहाँ जब आप देखेंगे तो इस बॉडी से ऐसे लगता है कि ये नाग सांप है, जबकि ये नाग नहीं है, ये धामन सांप है। इसके पीछे ये डिजाइन सबको पता चल जाता है कि ये धामन सांप है। धामन सांप में जहर नहीं होता है, ये नॉन वेनमस सांप है। ये हाथ को क्या करता है कि आप पकड़िएगा इसका पूंछ को तो ये लपेटता है, इसी को बोला जाता है धामन सांप। तो मैं तो जाने से डर गया, क्योंकि जाने से देखा सामने तो मैं थोड़ा पीछे हट गया, हालांकि ये मरा हुआ सांप था। ऐसा कभी कभी जिंदा सांप भी आ जाता है तो थोड़ा आपको अलर्ट रहने की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान ट्रैक भी रखना पड़ता है। अब क्या करेंगे, सुबह में इसको साइड कर देंगे या तो अभी साइड कर देंगे इसको, क्योंकि ये मरने के बाद थोड़ा ये बदबू देगा। तो चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। अभी दोस्तों इसको हटा देते हैं, थोड़ा नीचे दिखा दो, हालांकि यहाँ तो देखिए इसको मरा है, और ये नन बने हुआ सांप होता है, ये देखिए इतना बड़ा सांप तो आपको देखिए दिख रहा होगा, हालांकि ये अभी तुरंत का मरा हुआ सांप है, इसलिए उसको हटाने में कोई दिक्कत नहीं, सारा गला नहीं है, जैसे जैसे इसमें इन्फेक्शन फैलेगा। ये देखिए इतना बड़ा सांप बहुत ही खतरनाक होता है, जरा देखो तो जरूर इसको दूर फेंक देते हैं साइड में। तो फेंक दिए इसको और थोड़ा सा हाथ धो लेते हैं पानी से। तो चलिए यही सब होता है, इसलिए आपको ट्रैक का बहुत सेफ्टी रखना पड़ता है, ट्रैक का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं हाथ वगैरह धो के। तो मित्रों अभी सेक्शन मुंडी जहाँ हम लोग का सेक्शन होता है वहाँ पहुँच गए, और ये अगले स्टेशन का है, हमारे दूसरे स्टेशन से वो आता है वो, तो ये भी कॉन्ट्रेक्टर में भी है, इसलिए कॉन्ट्रेक्टर के थ्रू ये भी आए हैं, और एक हम लोग का एक और स्टाफ होता है वो भी है साथ में। तो यही दो आदमी उधर से आए, दो आदमी हम लोग इधर से आए, तो हम लोग बुक चेंज करते हैं। इसे जानते हैं कैसा लगता है काम करके, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, मजा आता है, परेशानी है रात के टाइम में अकेला सही है, डर भी लगता है, इधर डर भी है और थोड़ा नींद भी डिस्टर्ब होता है, सुबह उठ के आने में डबल राउंड सही है। तो आपको दिन में सोना पड़ेगा इसके लिए, हाँ तो वो चीज होता है, हालांकि दिन में पूरा फ्री रहते हैं, दिन रात ड्यूटी में करके दिन में सो सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं। अब आराम से बारिश में और ज्यादा है परेशानी, खासकर अभी बारिश, आज 5 दिन से मेरा ड्यूटी हो रहा है, तो 5वां दिन लास्ट दिन मेरा था, 5 दिन का रोस्टर हम लोग बना के रखे हुए, तो उसमें आज बारिश हो गया, सोचिए आज थोड़ा भींगना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आज उतना तेज बारिश नहीं है। फिलहाल बुक चेंज कर लिए, अब चलते हैं रूम की तरफ। दोस्तों अभी सुबह हो गई है, अभी सेकंड टाइम हम लोग डायरी चेंज करके आ गए हैं, और अभी रास्ते में थोड़ा दूर और है, अब थोड़ा चल चल के थक गए हैं, तो थोड़ा पानी वगैरह पी लेते हैं, 5 मिनट थोड़ा बैठेंगे, 5-10 मिनट उसके बाद फिर चलेंगे यहाँ से। और रात में दोस्तों हुआ क्या है कि जब बारिश जब हो रहा था तो उसके बाद कुछ देर बाद फिर तेज़ बारिश होने लगा, और बारिश में जानते हैं क्या होता है, क्या जब छाता जब लेकर रखते हैं इसे तो आगे बचाने की कोशिश करते तो पीछे फेंकता है, और पीछे बचाने की कोशिश करते तो आगे फेंकता है, ये थोड़ी बड़ी अजीब दुविधा होती है, इसलिए आपको एक रेनकोट रखना पड़ता है अगर तेज़ बारिश है, तो आप रेनकोट पहन के रख सकते हैं। तो हमने हालांकि रेनकोट तो नहीं लाया था, तो हमने बैग को आगे रख लिया था और छाते रखे थे ताकि बैग नहीं भींगे, क्योंकि बैग अगर भींग जाएगा तो उसमें बहुत सारे सामान वगैरह होते हैं, तो फिर दिक्कत है, बैग सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वही प्रॉब्लम हुआ। हालांकि कुछ देर आगे जब आए तो बारिश खत्म हो गया था, मतलब यहाँ का मौसम ऐसे ही होता है। और रात में जब आ रहे थे तो जब आप लोग देखे ही ट्रैकमैन वर्सेस वाइल्ड वाला कांड हो गया, मतलब समझिए मैन वर्सेस वाइल्ड होता है, हम लोग ट्रैकमैन वर्सेस वाइल्ड है, यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर वगैरह, जंगली जानवर नहीं मतलब जीव जंतु मिलते हैं, जो जंगली में सिर्फ आपको मतलब सांप मिलेगा, कछुआ मिलेगा बस, और अपना कुत्ता वगैरह घूमते रहता है, जंगली कुत्ता नहीं होता है वो, नॉर्मल अपना पालतू कुत्ता सब घूमते रहता है, ये सब होता है। और इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिला आज तक, जंगली सुअर भी पहले सुनते थे रहता है, सुअर होता है जंगल में, लेकिन ट्रैक पे हमको आज तक कभी नहीं दिखा, शेर वगैरह कभी इधर होता नहीं है, शेर टाइगर हिरन ये सब कभी देखने को नहीं मिला। हाँ एक मोर पाले हुआ है, और एक उधर उधर भी साइड में मोर दिख जाता है कभी कभी, जाते हैं हम लोग तो ये इधर आपको देखने को मिल जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो जान को उतना खतरा नहीं रहता है। हालांकि सांप थोड़ा सा होता है, तो सांप आपको बहुत सारे अजीब गरीब सांप मिल सकते हैं, जिसमें देखिए 100% सांप में 90% सांप जो होते हैं, स्नेक जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, लगभग 10% ही है, जो भारत के या इंडिया के या दुनिया के जितने सांप है उसमें मात्र 10% सांप है जो जहरीले पाए जाते हैं। उसमें आपको कोबरा तो आप लोग जानते हैं, नाग जिसको बोलते हैं, उसके बाद किंग कोबरा तक इधर देखने को नहीं मिलता है,
उसके लिए आपको रसेल्स वाइपर, ये सबसे खतरनाक होता है, आपको इससे बचने की बच के रहने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद करेत होता है, करेत में कॉमन करेत एक हो जाता है, एक बैंडेड करेत होता है। तो बैंडेड करेत क्या होता है कि पीला 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 और काला धारी होता है, और इसमें एक और प्रजाति पाया जाता है जो व्हाइट और ब्लैक होता है। वो अभी आज तक मुझे मतलब कभी नहीं मिला। एक लड़का है अमित मंडल जो कोलकाता का रहने वाला था, उसको मिला था तो हमको फोटो दिखाया था। सबसे मतलब बहुत खतरनाक, बहुत जहरीला सांप होता है वो, करेत का प्रजाति का है वो। हालांकि उसका जो लड़का जिस मिला था तो वो उसका था टीचर में जॉब हो गया, तो वो अपने स्टेट में चले गए। तो यही देखिए 3-4 सांप है ऐसे हैं जो सबसे खतरनाक पाया जाता है। उसमें आपको ग्रीन कलर का भी सांप होता है, तो ग्रीन कलर का सांप शायद जहरीला होता है, इसके बारे में मैं अभी इतना रिसर्च नहीं किया हूँ। इसके अलावा आपको रेट स्नेक होते हैं, आपको दामन सांप तो ऐसे ही मिलता रहता है, पानी में ढोड़वा सांप जिसको बोलते हैं वो ऐसे मिल जाता है। ये सब उतना जहरीला नहीं होता, हराड़ा सांप होता है, ये सब ऐसे दिख जाता है, इतना कोई टेंशन नहीं है। और दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सांप जो होते हैं तो क्या हम लोग ट्रैक पे चलेंगे तो हो सकता है सांप के बीच में आ जाए, हम लोग काट ले या बाइट कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि टॉर्च जब आप जलाते हैं सामने तो टॉर्च लंबा थोड़ा फोकस रहता है, तो हम लोग को दूर से ही दिख जाता है वो। कुछ सांप चमकते रहते हैं, कुछ सांप दूर से दिखते हैं और कुछ सांप भाग जाते हैं। और जिंदा सांप तो बहुत कम ही पाए जाते हैं, क्योंकि इस बारिश के सीजन में मुझे सांप बहुत ही कम देखने को मिला। और इसके अलावा ये ब्रिज है, बहुत ही खूबसूरत सा है। इसको बीच में क्या है, ये पुराना टाइप का ब्रिज है, इसमें सब लोहे का स्लीपर लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें साइड में ये जाने के लिए बना रहता है। आप बीच में भी जा सकते हैं, लेकिन बीच में क्या है कभी कभी काम वर्क करने के लिए बीच में ये पटरी को डाल दिया गया है। आपको थोड़ा सा हम दिखाते हैं ब्रिज का, ज़्यादा हम नहीं दिखा सकते। तो ये देखिए ब्रिज के नीचे का पूरा है सीन। ये न्यू ब्रिज अभी न्यू लाइन बन रहा है, तो उसके लिए बनाया गया। अभी इसका काम बाकी है, पेंटिंग वेंटिंग अभी करेगा। तो ये सारी नीचे ये नदी बहती है और सेफ्टी से रिलेटेड है, इसलिए हम ब्रिज को उतना नहीं दिखा सकते। तो आपको छोटा मोटा देख लीजिए, ये इसी टाइप का ब्रिज होता है। और नीचे आपको यहाँ नदी बह रही है, बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है। देखिए पानी एकदम निकलती है और वो देखिए कितना खूबसूरत लगेगा आपको जब देखेंगे। तो देखिए जंगलों में जब मूवी वगैरह में देखते हैं इस तरीके का ही पेड़ होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। देखिए जैसे अवतार मूवी आपने देखा होगा, उसमें किस तरीके का आपको पेड़ मिला होगा, जब चिड़िया वगैरह उड़ती है, कितना मतलब तो कितना खूबसूरत लगता है एक पक्षी के लिए जो हवा में उड़ता है। खूबसूरत सा प्लेस है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत सीन है। और एक एडवेंचर टाइप का ये लाइफ होता है ट्रैकमैन का, मुझे काफ़ी बहुत पसंद आता है और बहुत कुछ देखने को मिलता है। लोग पैसा खर्च करके पिकनिक मनाने जाते हैं बहुत दूर, हम लोग तो ऐसे ही पिकनिक इधर मना लेते हैं। इसको डंगरी नदी बोला जाता है। ये डंगरी नदी आपको दंतेवाड़ा जिला में होते हुए चला जाता है, मतलब दंतेवाड़ा में संखनी और डंगरी नदी है दंतेश्वरी मंदिर के पास, वहाँ पर वो मिल जाता है। तो दोस्तों ये सब तो आप जान लिए, अब आपको हम बताएंगे घर पे जाते हैं आराम से, उसके बाद हम बताते हैं आपको बहुत सारे सवालों के जवाब होंगे। कितना आदमी जाता है, कितना पैसा मिलता है, क्या हम अपनी मर्जी से जा सकते हैं या बंद कर सकते हैं नाइट। हालांकि गर्ल्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि गर्ल्स को शायद मैंने आज तक नहीं देखा है नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी करते हुए, तो लड़कियों लोग को नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी नहीं कराई जाती है, वो लोग शायद डे में ही काम करते हैं। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं रूम पे, और रात में जो सांप जो हुआ, सांप इसको हम बोल रहे देखो सांप है थी, रुकने का नाम नहीं ले रहा, भागे जा रहा है। क्या हो गया था तुमको? मुझे डर लग रहा था ना। क्या सांप से डर लगता है? इसलिए तुम आगे चला गया, आगे से पहले रुको इधर आओ, देखो सांप देखो, से फिर आगे सांप दिखाई, ऐसा होता है। हालांकि डरना नहीं चाहिए। तो ये बारिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बारिश में थोड़ा भींगने का डर रहता है, और इसमें देखिए हेल्थ खराब अगर होने का चांसेस रहता है, अगर आप भींगे तो फिर हेल्थ आपका खराब हो सकता है। इसलिए आपको छाता रखना पड़ेगा, रेनकोट रखना पड़ेगा। और सबसे पहले हम लोग को ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है कि आपको सबसे पहले खुद की सुरक्षा करनी है, पहले अपना फर्स्ट सेफ्टी, आपको अपना सेफ्टी देखना है, उसके बाद आपको ट्रैक की सेफ्टी देखना है। वो सब ट्रेनिंग में ऐसा बता दिया जाता है। जब आप मान लीजिए आप सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर ट्रैक की क्या सेवा करेंगे आप, इसलिए अपनी सेफ्टी सबसे पहले ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए फटाफट पहले चलते हैं रूम की तरफ और ड्यूटी ख़त्म करते हैं। अभी नाइट पेट्रोल ड्यूटी हमारा हो गया है, अभी आ गया रूम पे। अभी चलिए पहले थोड़ा सा गर्मी भी लग रहा है आने के बाद, तो थोड़ा सा कपड़ा वगैरह चेंज करके फिर आपसे बातें कुछ करते हैं। और दोस्तों नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी से आने के बाद हमारे ये मतलब क्या सा डेली रूटीन रहता है, दिन में क्या करते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल चुका है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। दोस्तों आइए अब आपको हम कुछ सवालों के जवाब दे देते हैं जो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे, बहुत सारे कमेंट ऐसे आते रहते हैं पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान, ये बहुत सारे डाउट रहते हैं तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले बात है कि नाइट पेट्रोलिंग जब करते हैं तो पैसा कितना मिलता है। ठीक है, पैसा नाइट का एक्स्ट्रा अलग से दिया जाता है, 108 रुपये स्टार्टिंग में था, अब शायद 124 हो गया है। जैसे जैसे अब जैसे सर्विस आपका बढ़ता जाता है तो वो पैसे धीरे धीरे बढ़ते जाता है वो भी। ठीक है, नाइट पेट्रोलिंग में क्या होता है, सिर्फ आना और जाना होता है, मतलब देखते हुए जाना है, देखते हुए आना है। कुछ अगर क्रैक वगैरह होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको इन्फॉर्म करना है, उसको प्रोटेक्शन करना है, ठीक करना होता है। ये आपको सारी बातें ट्रेनिंग में बता दी जाएगी, ये हम ट्रेनिंग पर्पस में सेफ्टी पर्पस से रिलेटेड, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता हूँ कैसे प्रोटेक्शन किया जाता है, क्योंकि लोग उससे कुछ गलत फायदा उठा सकते हैं, कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं इसे गलत फायदा उठा सकते हैं, इसलिए मैं आपको सेफ्टी से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, ये आपको ट्रेनिंग में पता चल जाएगा सब कुछ। आगे क्या कि ये कंपल्सरी होता है क्या, मतलब जाना सबको जरूरी है? कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं मैं नाइट नहीं जाऊँगा,
तो ऐसा नहीं होता है, आपको महीने में कम से कम जाना ही पड़ेगा। 5-5 दिन का हम लोग रोस्टर बना के रखे हुए हैं, तो जितने मान ले 10 स्टाफ है तो 5-5 दिन अगर मान ले जाता है तो 10-5 50 हो गया, मतलब समझिए दोनों तरफ है। तो आपका 30 दिन में एक महीना पे आपको एक बार नंबर आता है, हो सकता है 20 दिन पे भी आ जाए नंबर। ये अगर आपका जाने का मन है, देख लो 5 दिन का मतलब आपको 6-7-10 दिन जाने का मन है तो जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद क्या है कि कहीं कहीं देखिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र इलाके जो होते हैं उसमें नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी नहीं लगाई जाती है, उसमें डे पेट्रोलिंग होता है, मतलब मॉर्निंग के टाइम ही उसको जाया जाता है। तो उसका भी शायद 8 घंटे का ड्यूटी होता है, सुबह शायद 3-4 बजे से शुरू हो जाता है। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं कि हमारे इधर मतलब रात में भी होता है, कुछ इलाके हैं बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जहाँ पे ये सब देखने को मिलता है, तो उस पर डिपेंड करता है आपकी एरिया पे। और देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, न्यू जॉइनिंग जब होगा तो आपको सीनियर के साथ जाना पड़ता है। जब सीनियर मान लीजिए आपके साथ जा रहे हैं तो सीनियर के साथ में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। हम भी जब नए नए में आए थे तो आपको सीनियर के साथ दिया जाता था ताकि हमको कुछ सिखा सके, वो हम बहुत कुछ सीखते थे, उनसे पूछते थे, तो ये सारी जानकारी आपको सीनियर से मिल जाएगा। अभी अगर आपको अगर ज्वाइनिंग हो जाता है, अगर मान लीजिए मेरे स्टेशन में हुआ तो आप मेरे साथ जाने आपको जा सकते हैं, तो मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा कैसा सा होता है। तो आपको नया में अकेले नहीं भेजा जाता है, आपको अकेले नहीं भेज के किसी के साथ आपको बुक किया जाएगा। और रह गई नहीं जाने की बात, कुछ लोग क्या होता है कि अगर आपके मान लीजिए आपका कुछ प्रॉब्लम है तो आप मतलब आपके जो मेट होते हैं ऊपर में उसको मिस्त्री भी बोला जाता है या इंचार्ज आपके एसएससी होते हैं उसको बोल के आप वो चाहे तो आपको नाइट पेट्रोलिंग के लिए मना कर सकते हैं, आपके कुछ प्रॉब्लम है तो आप नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा बहुत कम जगह देखने को मिलता है, वो पे डिपेंड करता है इंचार्ज पे आपके, हालांकि सबको एक बार जाना ही पड़ता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, नाइट पेट्रोल ड्यूटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको देखा होगा मैं अभी सेफ हूँ, कुछ नहीं हुआ, देसी होता है, कोई नहीं होता है, कुछ दिक्कत नहीं होता है वहाँ पे, आप आराम से ड्यूटी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने सेफ है। हम तो दोस्तों यही सारी बातें हैं, और फिर भी आप कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको डाउट को क्लियर कर दूंगा, या मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज